नहीं नहीं फर्स्ट नहीं नहीं फर्स्ट यू नहीं हमारा मालवी बर्थडे गर्ल पे नहीं 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 बर्थडे गर्ल दीदी पे. हाँ तो जैसे आज मेरा बर्थडे है, इन सब ने मुझे इतना स्पेशली ट्रीट किया. आज हमने यहाँ केक वेक कट किया, हमने लंच पार्टी की एंड इट फील्स रियली ग्रेट. आज मेरा शूट नहीं है बट फिर भी मैं आई हूँ बिकॉज बालवीर रिटर्न्स मेरे लिए सिर्फ एक सीरियल या मेरी लाइफ का एक हिस्सा नहीं है, दे आर लाइक माई सेकेंड फैमिली. तो इट वॉज रियली गुड. तो दीदी के साथ ऑफकोर्स हमारा स्पेशल बॉन्डिंग है, जब से शो स्टार्ट हुआ है तब से बहुत अच्छा लगता है दीदी के साथ काम करना. हमेशा हमारी नोकझोंक होती रहती है, थोड़ी मस्ती चलती रहती है और बस रियल लाइफ में भी. और बहुत अच्छा लगता है, आज बर्थडे है दीदी का तो उस पर सेलिब्रेट भी किया. थैंक यू फॉर द ट्रीट. मैं जनरली मेरे बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करती, मुझे नहीं पसंद है सेलिब्रेट करना, बट ये आज पहली बार था कि मैंने मेरी एंटायर यूनिट के साथ सेलिब्रेट किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मैंने दिल से सेलिब्रेट किया है. आज थीम तुम डिसाइड करो. नहीं थीम कैरेक्टर हम करेंगे. अच्छा चलो. हाँ थीम थीम क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? वीर लोग रखेंगे हम तो थीम. हाँ वीर लोग ही सही है. परियों वाले कपड़े पहन के मैं वाली तो हमारी बालवी वाली थीम रहेगी बिकॉज जिसमें हम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत कंफर्टेबल अब उसमें रहते हैं. तो जैसे कि थीम हमारी है वीर लोग की, बालवी रिटर्न्स में तो मैं रहूँगी मस्ती भरी, ये रहेगा हमारा बालवी. ओहो कालोक मैं अक्रूर बनूंगा. मैं तिबनास्ता बनूंगी. हर बर्थडे पे दीदी गाड़ी लेती है, एक नई गाड़ी लेती है. जी जैसे हर बर्थडे पे मैं मेरे दिन की शुरुआत मंदिर जाकर करती हूँ. तो मैं सुबह उठकर रेडी होकर पहले पूजा पाठ करती हूँ अपने घर में करती हूँ, फिर एज़ यूजुअल माँ के पैर छूती हूँ और फिर बाहर मंदिर में जाती हूँ एंड देन मेरा जो भी स्केड्यूल है वो करती हूँ. जी शूटिंग में आना. हाँ मेरा गिफ्ट तो ऑलरेडी मिल चुका है, सरप्राइज है. और दीदी हाँ, अपने को इस साल अपने आप को गिफ्ट की है एक कार, तो मैंने ली है क्रेटा, वो यहीं खड़ी है, मैं अभी लेकर आई हूँ. तो दीदी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर हर फ्यूचर. आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं मेरे पूरे फैमिली की तरफ से. कीप स्माइलिंग और हमेशा हम टच में रहे, हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहे. आई लव यू टू. मेरी विश यही रहेगी कि बस मैं अच्छे से यूं ही काम करती रहूं, मेरे दर्शकों को अच्छे अच्छे मैसेजेस और मोटिव्स देती रहूं और बस बहुत सारा काम करती रहूं, लोगों का प्यार लूं और हेल्दी रहूं. थैंक यू.